हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस के बारे में। जो क्या था, अभी आप सभी को पता होगा कि 2019 में एक वैकेंसी आई थी यूपी में 69,000, ठीक है। और उन्हीं 69,000 वैकेंसीज में जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको शामिल कर लिया गया था 2018 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो एनसीटीई ने दिया था, ठीक है। अब जब 11 अगस्त 2023 को वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसी कोर्ट के आदेश को लेकर के जो शिक्षा मित्र हैं उनके द्वारा एक कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है इन बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ। मतलब जो बीएड अभ्यर्थी उन 69,000 भर्तियों में शामिल हो गए थे उनके खिलाफ ये केस फाइल कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ना हम इस केस के बारे में डिटेल में थोड़ा जानें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि दो ये जो 69,000 भर्ती जो आई थी यूपी में 2019 में उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। 69,000 भर्तियां आई थी ये 2019 में यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उनमें से रजिस्ट्रेशन हुआ था 4,31,466 का। कितना? 4,31,466 बच्चों ने यहाँ पर क्या क्या था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, अपने आप को पंजीकृत कराया था, ठीक है। और वहीं पर बात करें एग्ज़ाम में अपियर होने की, एग्ज़ाम में अपियर होते 4,09,530 बच्चे। कितने? 4,09,530 अभ्यर्थी जिनमें बीएड बीटीसी और अदर्स भी शामिल थे, ठीक है। और वहीं पर बात करें जो जिन्होंने पास आउट किया था ये 69,000 भर्ती का जो एग्ज़ाम था उनमें से थे वो कितने लोग थे, वो थे 1,46,060 बच्चे, ठीक है। फिर ये तो हो गया आंकड़ा कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, कितने बच्चे अपियर हुए थे एग्ज़ाम में और कितने बच्चों ने पास आउट किया था एग्ज़ाम, ठीक है। और वहीं पर इन्हीं टोटल वैकेंसीज में बात करें ये जो पास आउट हुए थे 1,46,060 में वो कितने बच्चे डीएलएड के थे, कितने बच्चे बीएड के थे और कितने शिक्षा मित्र थे, इनमें इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं सब, ठीक है। तो डीएलएड वाले जो बच्चे थे 38,610 बच्चे थे, कितने थे इन 1,46,060 में से, ठीक है। उसके बाद बीएड की बात करें तो 97,360 बच्चे जो थे वो बीएड करने वाले थे जिन्होंने 69,000 भर्तियों में ये जो 1,46,000 पास आउट जो हुए थे उनमें से 97,360 बच्चे जो थे वो बीएड वाले थे, ठीक है। फिर उसके बाद शिक्षा मित्रों की बात करें तो 8,018 जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने पास आउट किया था ये एग्ज़ाम 69,000 भर्तियों वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे 97,360 इनकी जो संख्या थी वो शिक्षा मित्रों डीएलएड जो हैं अदर बीटीसी वाले जो छात्र थे उनसे कहीं बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो क्या हुआ जब बीएड अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा में शामिल हुए तो क्या हुआ, यहाँ की जो मेरिट थी वो कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी, ठीक है। तो ये तो सारी डिटेल होगी 69,000 भर्ती में कितने बच्चे डीएलएड के थे, कितने बच्चे बीएड के थे और कितने शिक्षा मित्र वाले थे, ठीक है। अब ये जो शिक्षा मित्र हैं इनका जो तर्क है जो केस करा है इन्होंने अभी फिलहाल ही में उसके पीछे इन्होंने तर्क क्या दिया है उसके लिए ना मैं एक कटिंग यहाँ पर एक अखबार की कटिंग है, आप अगर चाहें तो आप इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो वो ऑर्डर है वहाँ पर भी देख सकते हैं इसको। सबसे पहले मैं एक कटिंग पढ़ के दिखा देता हूँ उसमें लिखा क्या है, जिसको मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। इस कटिंग की बात करें तो बीएड डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र, जो ये शिक्षा मित्र हैं 8,018, ठीक है। इन्होंने इन्होंने क्या तर्क दिया है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी 69,000 भर्ती में शामिल कर लिए गए थे इनको निकाला जाए, और इसके पीछे का तर्क क्या है इनका। एक कटिंग है प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा भर्ती में बीएड डिग्री धारियों को शामिल करने की एनसीटीई के 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर कर दी है। कितने पेजों की याचिका दायर की है, जो शिक्षा मित्र है इन्होंने 304 पेज की याचिका बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ जो जिनका सिलेक्शन 69,000 भर्तियों में हुआ था उनके खिलाफ इन्होंने याचिका दायर कर दी, वो कितने पेज की, 304 पेज की, ठीक है। ये तो आंकड़ा दोस्तों 97,360 है, ये पास आउट वालों का आंकड़ा है, ठीक है। और मैं बात करूं उनका जो एकेडमिक स्कोर के आधार पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था बीएड डिग्री धारियों का 69,000 भर्तियों में, तो उनके खिलाफ इन शिक्षा मित्रों ने क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, और आगे हम इसको पढ़ें तो उसमें आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित
बीएड डिग्री धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की टीईटी पास हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि हम जो हैं शिक्षा मित्रों ने तर्क दिया है कि जो वे प्राथमिक स्तर के टेट को पास किए हुए हैं वह 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40 या 45% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे। जो लोग जिन्होंने इस 69,000 भर्तियों में ये जो जो भर्तियां थी इनमें 40 से 45% अंक प्राप्त किए थे वो लोग कह रहे हैं जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे जिन्होंने 40 से 45% अंक शामिल प्राप्त किए थे। ठीक है, लेकिन बीएड डिग्री धारियों के 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण कट ऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। इन शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि इन 69,000 भर्तियों में जब बीएड डिग्री धारी शामिल हो गए उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, इन बीएड डिग्री धारियों की वजह से जो कट ऑफ थी वो हाई चली गई और जिनकी वजह से जो शिक्षा मित्र थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, जिन्होंने 40 से 45% अंक प्राप्त किए थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसी वजह से अब ये क्या कह रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सकता, मतलब ये शिक्षा मित्र थे इनका चयन नहीं हो पाया था क्योंकि बीएड डिग्री धारी शामिल हो गए थे और जिसकी वजह से कट ऑफ हाई चली गई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद अब चूंकि एनसीटीई की अधिसूचना खारिज हो चुकी है इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्री धारियों को चयन स्वतः अर्थहीन हो गया है। इनका कहने का मतलब है कि जब अब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट ऑर्डर निकाल दिया है कि जो बीएड डिग्री धारी हैं वो 1-5 के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और ये जो 69,000 भर्तियों में बीएड डिग्री धारियों को शामिल किया गया था वो किया गया था एनसीटीई की 28 जून 2018 की जो उनका नोटिफिकेशन था कि बीएड वाले 1-5 के लिए एलिजिबल हैं। और इसी अधिसूचना को अब क्या कर दिया है, 11 अगस्त 2023 को इस अधिसूचना को क्या कर दिया, खारिज कर दिया है। और इसी चीज़ को लेकर के शिक्षा मित्रों ने जो 69,000 में बीएड धारी शामिल हुए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके खिलाफ उन्होंने कोर्ट केस कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी बात, ये 69,000 भर्ती के ऊपर की बात, उन्होंने क्या केस डाला है। ठीक है, तर्क की बात भी हमने कर ली है, उन्होंने क्या तर्क दिया है कि जब ये ओएनसीटी का जो 2018 का नोटिफिकेशन ही खारिज कर दिया है तो इनका जो बीएड डिग्री धारियों का जो सिलेक्शन हुआ है 69,000 भर्तियों में उनका जो सिलेक्शन है वो अर्थहीन है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं पड़ता। जब 18 का नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया है तो उनके शामिल होने का क्या फ़ायदा। ठीक है, मतलब जब ये नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया है। ठीक है, अब क्या है, बीएड वालों की अगर हम बात करें, बीएड वालों का जो पक्ष है अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना देखो गलती सरकार की थी। ठीक है, गलती सरकार की इसलिए थी क्योंकि जब ये एनसीटीई और सरकार दोनों मिलकर के जब ये गजट लेकर गए 2018 में तो उनमें जो 2018 के बाद जिन बच्चों ने बीएड किया था उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने एनसीटीई की गाइड मतलब एनसीटीई के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बीएड किया। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के अब क्या होगा, बीएड वाले जो हैं अब जो सरकार है अब अपने ही चंगुल में फंस जाएगी। ठीक है, तो और उनको जो है जवाब देना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को लेकर के अब क्या है, बीएड वालों का जो पक्ष है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा क्योंकि अब ना सरकार ही अपने चंगुल में फंसने वाली है क्योंकि उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बीएड किया और बीएड को अब खारिज कर दिया। तो इसी चीज़ को लेकर आप सब आप जो है काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं कि बीएड जो KVCPRT है उसके लिए भी याचिका दर्ज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में जो है बीएड को अलाउ कर दिया है तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट भी कन्फ्यूज़न में है कहीं ना कहीं। तो जो बीएड वाले हैं उनका कहीं ना कहीं पक्ष और ही ज़्यादा मजबूत होते हुए दिख रहा है। और बीएड वाले एक चीज़ और, जो एनसीटीई की नई गाइडलाइन है जब तक जारी नहीं हो जाती, ठीक है, ना तो KVS से बीएड बाहर है, ठीक है, और ना ही जिनका सिलेक्शन 69,000 भर्तियों में हो गया है वो तो होने ही नहीं है क्योंकि एक जो कानूनी दाव पेज होते हैं उनको खेल करके कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाएगा और इनको जो है बचा ही लिया जाएगा। ठीक है, इनका तो कुछ होने वाला है नहीं जहाँ तक भी अनुमान है क्योंकि देखिए एक चीज़ आपने बिहार शिक्षक भर्ती में देखी होगी कि बिहार शिक्षक भर्ती में जब बच्चों को बीएड वालों को उनको जो है एग्ज़ाम देने से नहीं रोका गया था। क्यों नहीं रोका गया था? क्योंकि उन्होंने अपना एक तर्क दिया था कि जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था एग्ज़ाम के लिए जब उन्होंने बच्चों को आमंत्रित किया था तो तब एनसीटीई की गाइडलाइन जो थी प्रभावी थी और लेकिन अब
चूंकि हम उन्हें एग्जाम देने से नहीं रोक सकते, लेकिन बाद की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें हम कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को लेकर के अगर यहाँ पर तर्क लगाया जाए तो जो 69,000 शिक्षक भर्तियों में शामिल किए गए थे, बीएड का सिलेक्शन हुआ था, तो इसी ये तर्क वहाँ पर भी बन जाता है, क्योंकि जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो एनसीटीई की जो गाइडलाइन थी वो प्रभावी थी। इसको जो स्थगित किया गया है वो बीएड अभ्यर्थियों को, मतलब इसको जो स्थगित किया गया है एनसीटीई की गाइडलाइन को 2018 की, तो वो 11 अगस्त 2023 को किया गया है, ठीक है। तो ये तर्क बन गया क्योंकि ये उन्हीं दौरान ही में ही सिलेक्शन पाए हुए थे, ठीक है। तो और एक चीज़, ना तो अभी अभी कोई भी एक क्लियर कट फैसला नहीं है कि जिससे कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल है या नहीं। जब तक एनसीटीई की गाइडलाइन नहीं आ जाती, जो नई गाइडलाइन है वो जब तक जारी नहीं कर देता, और इसमें ना अभी थोड़ा समय लगने वाला है, ना तो अभी मतलब एनसीटी की नई गाइडलाइन ना आने तक, तब तक ना तो बीएड प्राइमरी से बाहर है, और चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, या फिर कहीं और की भी हो, चाहे वो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हुए बीएड अभ्यर्थी हूँ क्यों ना, वो अभी बाहर नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक एनसीटीई की नई गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक भी है, जो 2018 से 23 के बीच में बीएड किया है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद की जा सकती है, एनसीटीई से उम्मीद की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा सकती है कि उनके लिए एक राहत की खबर दे, ठीक है। जिन्होंने 18 के बाद, जो एनसीटीई की गाइडलाइन के जारी होने के बाद उन्होंने जिन्होंने बीएड किया था, ठीक है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं राहत की एक चीज़ राहत की उम्मीद कही उम्मीद ही की जा सकती है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो एनसीटीई नई गाइडलाइन को प्रिपेयर कर रही है, जो एमएचआरडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इसमें ना अब क्या कर रहा है, जो एमएचआरडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, अब कहीं ना कहीं ये जो एनसीटीई है अपनी नई गाइडलाइन जारी करेगा कब, जब पूरे राज्यों के साथ एक एक बैठक हो रही है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि होंगे इसमें भाग लेंगे, और तब एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, और जिसमें कि साफ होगा, जिसमें कि वो बताएंगे, ये अपना फैसला लेंगे कि जो बीएड वाले हैं पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी एक बीएड अभ्यर्थियों से एक रिक्वेस्ट है, अभी ना आप थोड़ा पेशेंस रखें, और उसमें कहीं ना कहीं देखिए केवीएस के लिए भी, केवीएस में भी याचिका दर्ज हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बीएड को लेकर के चल रही है। अभी होप आशा मत होइए, और कहीं ना कहीं राहत की खबर 2018 से 23 के बीच में जो जिन बच्चों ने बीएड किया है उनके लिए अच्छी खबर आएगी, ठीक है। और अपनी प्रेपरेशन को जारी रखें, चाहे वो केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए हो, चाहे फिर किसी भी और चीज़ के लिए हो। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि जो बीएड वाले हैं अभी होप ना खोएं, और अपनी प्रेपरेशन को जारी रखें। और एक जो साफ तौर पर एक चीज़ और है, ज़्यादातर जो केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं वो भी थोड़ा अपने जो प्रेपरेशन को तैयार रखें, जिनको लगता है कि वो केवीएस पीआरटी में शामिल होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 25 सितंबर को इस जो केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के केवीएस पीआरटी बीएड केवीएस पीआरटी में बीएड शामिल होगा या नहीं होगा, इसके लिए भी याचिका जो सुनवाई है, हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी होने वाली है। तो अभी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है, और काफ़ी सारी चीज़ें भी चल रही हैं, धरना प्रदर्शन हो गया, और ज्ञापन वगैरह भी सौंपे जा रहे हैं, ठीक है, महापंचायत वगैरह हो रही है, ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहे हैं। तो अभी भी बीएड कहीं ना कहीं अभी अपना मजबूत पक्ष रखे हुए है, और ये मामला इतना उलझा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में आ गया है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।